A very good morning to you, my dear students. I hope you all are fit and fine at your home. And uh, today I am going to start your grammar class, okay? Because grammar is most important for you. So, as soon as possible, we should cover it, okay? And this class is both for uh, class 5 and 6. Understand? So, let's start our study, okay? तो पिछले क्लास में हम तुम्हारी किताब की संज्ञा के बारे में पढ़ चुके थे तो आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे जिसको कि इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं ठीक है तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये क्लास फाइव और सिक्स क्लासेस के लिए है तो फाइव क्लास के स्टूडेंट्स तुम अपनी किताब की फोर्टी टू नंबर पेज को ओपन करो और सिक्स क्लास के स्टूडेंट तुम अपनी किताब की सिक्सटी फोर नंबर पेज को ओपन करो ठीक है तो चलो अब जानते हैं सर्वनाम के बारे में ठीक है देखो सर्वनाम क्या है तो पिछली क्लास में तुम क्या पढ़े थे संज्ञा के बारे में पढ़े थे तो संज्ञा क्या है हर एक चीज के जो नाम को समझाता है उसको हम संज्ञा कहते हैं है कि नहीं जो आ, किसी भी चीज़ या फिर किसी भी व्यक्ति या फिर किसी भी स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं तो सर्वनाम क्या है तो सर्वनाम ये है कि जब संज्ञा के स्थान पर एक दूसरा शब्द हम प्रयोग करते हैं तो उसको हम सर्वनाम कहते हैं समझ रहे हो जैसे कि देखो यहाँ एक वाक्य है राम बहुत वीर थे उन्होंने रावण को मारा वे अयोध्या के राजा बने तो यहाँ जो राम लिखा गया है ये राम क्या है एक व्यक्ति का नाम है लेकिन सेकंड सेंटेंस पे जब हम राम के बारे में ही कुछ बात करते हैं तो हमने क्या कहा कि उन्होंने रावण को मारा मतलब किसने राम ने रावण को मारा लेकिन सेकंड सेंटेंस में मैं फिर से वो राम का नाम ना लेकर हमने क्या कहा कि उन्होंने रावण को मारा समझ रहे हो तो यहाँ क्या हो गया कि ये जो उन्होंने शब्द जो हमने प्रयोग किया वो किसके लिए प्रयोग किया राम के लिए प्रयोग किया मतलब राम है एक संज्ञा संज्ञा के लिए हम फिर से वही नाम को प्रयोग ना करके हम उन्होंने शब्द का प्रयोग किया तो ये उन्होंने ही हो गया एक सर्वनाम मतलब ये उन्होंने ये जो शब्द है इसको हम संज्ञा के बदले ही प्रयोग किए हैं उसी तरह थर्ड सेंटेंस में भी देखो वे अयोध्या के राजा बने मतलब वे मतलब कौन वे मतलब राम मतलब ये जो वे का प्रयोग हमने किया वो राम के लिए ही प्रयोग किया संज्ञा के लिए समझ रहे हो तो संज्ञा को दोबारा या फिर बार बार प्रयोग ना करके हम संज्ञा के जगह पर जो शब्द प्रयोग करते हैं उसी को ही हम सर्वनाम कहते हैं समझ गए मतलब देखो जब यहाँ हम कहते हैं पहले सेंटेंस में कि राम बहुत वीर थे और सेकंड सेंटेंस में भी हम अगर ऐसा बोलते कि राम रावण को मारा राम अयोध्या के राजा बने तो ये सुनने के लिए अच्छा नहीं लगता है समझ रहे हो तो इसीलिए हम राम को हटाकर राम की जगह पर उन्होंने रावण को मारा और वे अयोध्या के राजा बने तो उन्होंने वे ये सब हम राम के लिए ही प्रयोग करते हैं समझ रहे तो देखो यहाँ क्या लिखा है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं तो समझ गए कि यहाँ राम एक संज्ञा है और राम को हम बार बार प्रयोग ना करके उसी के जगह पर हमने क्या कहा कि उन्होंने रावण को मारा और वे अयोध्या के राजा बने तो ये शब्द हो गया सर्वनाम शब्द उसी तरह तुम भी देखो फाइव प्लस के स्टूडेंट साने की छुट्टियां हो गई थी वो नानी के घर गई उसे देखकर नानी बहुत खुश हुई नानी ने उसको तरह तरह की पकवान खिलाए उसने नानी से कहानियाँ भी सुने आ, सुनी और नानी के पास उसे खूब आनंद आया तो ये देखो पहला जो आ, नाम था वो क्या है क्या हो गया सानिया सानिया है एक व्यक्ति का नाम तो ये हो गया संज्ञा लेकिन सानिया के लिए ही यहाँ बहुत कुछ प्रयोग किया गया है जैसे कि वो वो मतलब सानिया उसे मतलब सानिया और उसको मतलब सानिया को समझ रहे हो तो ये जो शब्द हमने प्रयोग किए वो कि, किसके लिए प्रयोग किए संज्ञा के लिए तो संज्ञा को हम दोबारा प्रयोग ना करने के लिए जो शब्द हम प्रयोग करते हैं उसी को ही हम सर्वनाम कहते हैं समझ गए तो उसी तरह यहाँ कुछ और शब्द नाम के आ, सर्वनाम के बारे में भी दिया गया है जैसे कि मैं तुम वो य इसे उसे हम आप ये ये इन्हें और उन्हें ये सब एक एक सर्वनाम है सर्वनाम का अर्थ क्या है सर्वनाम का अर्थ है सबके लिए नाम मतलब सभी के लिए ये सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है जैसे कि संजय ने कहा कि मैं चॉकलेट खाऊंगा तो ये मैं क्या हो गया मैं एक सर्वनाम है ओ मैं किस किसके लिए प्रयोग किया गया है संजय के लिए मतलब संजय खुद कहता है कि मैं चॉकलेट खाऊंगा तो मैं हो गया एक सर्वनाम गीता ने कहा मैं चॉकलेट खाऊंगी तो यहाँ भी मैं हो गया एक सर्वनाम मालिक ने कहा मैं चकलेट खाऊंगा नौकर ने कहा मैं चकलेट खाऊंगा समझ रहे हो तो इन वाक्यों में सर्वनाम शब्द मैं का प्रयोग सभी संज्ञा शब्द मतलब संज्ञा शब्द कितने आ, कौन कौन है जैसे संजय एक संज्ञा शब्द है गीता एक संज्ञा शब्द है मालिक एक संज्ञा है और नौकर भी एक संज्ञा है तो इन सभी संज्ञा शब्द के लिए हमने क्या प्रयोग किया मे का प्रयोग किया तो ये मे हो गया एक सर्वनाम समझ रहे हो और यहाँ कुछ विशेष बातें भी दिया गया है जैसे कि सर्वनाम शब्द सर्व पुंगलिंग तथा स्त्रीलिंग में समान रहते हैं जैसे कि सचिन ने खूब पढ़ाई की वह कक्षा में प्रथम आया सुप्रिया ने खूब पढ़ाई की वो कक्षा में प्रथम आया तो सचिन एक पुंगलिंग शब्द है मतलब एक पुरुष का नाम है और सुप्रिया एक स्त्री मतलब एक आ, लड़की का नाम है तो इसीलिए वो जो वो, उनके लिए जो वो मतलब जो सर्वनाम का प्रयोग हमने किया उसका कुछ परिवर्तन नहीं हुआ सचिन के लिए भी वो प्रयोग किया गया और सुप्रिया के लिए भी वो प्रयोग किया गया समझ गए संज्ञाओं के नाम संज्ञाओं के समान सर्वनाम के भी एक वचन तथा बहुवचन रूप होते हैं मतलब संज्ञा जिस तरह के मतलब जो सर्वनाम हम प्रयोग करते हैं उसका एक वचन रूप भी होता है और बहुवचन रूप भी होता है जैसे कि मैं पढ़ता हूँ ये एक वचन में हम प्रयोग करते हैं अगर वही बात हम सब मिलकर कहेंगे तो उसको अगर हम बहुवचन के नाम से कहेंगे तो क्या कहेंगे हम पढ़ते हैं समझ रहे हो ये बहुवचन हो गया उसी तरह ओ लिखता है वो मतलब एक किसी एक को समझाता है अगर हम उसको बहुवचन में बोलेंगे तो क्या होगा वे लिखते हैं यह पुस्तक रवि की है यह पुस्तक रवि की है यह बहुवचन हो गया इससे मत उठाइए तो इसका बहुवचन हो जाएगा इन्हें मत उठाइए समझ रहे हो तो सर्वनाम का एक वचन और बहुवचन रूप भी होता है समझ रहे हो तो चलो अब देखते हैं सर्वनाम के भेद मतलब सर्वनाम को कितने भागों में बांटा गया है तो देखो सर्वनाम मुख्यतः छह वेद है सर्वनाम का जो कि एक है पुरुषवाचक सर्वनाम दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम चौथा है संवदवाचक सर्वनाम पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम तो ये इस तरह सर्वनाम को छह प्रकार भागों में बांटा गया है तो चलो पहले हम जानते हैं कि पुरुष वाचक सर्वनाम किसे कहते हैं जो सर्वनाम शब्द किसी पुरुष या फिर व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे कि कल मैं दिल्ली जाऊंगा क्या तुम आ, क्या तुम भी चलोगे राजू नहीं जाएगा वो बीमार है तो ये सब एक व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है मतलब ये जो ऊपर जो वाक्य दिया गया है वो क्या है कि आ, मैं जो प्रयोग किया गया है वो खुद के लिए मतलब जो कहने वाले होता है उसी के लिए मैं प्रयोग किया गया है तुम सुनने वाले के लिए मतलब हम किसी और को पूछते हैं ये बात जो क्या तुम भी चलोगे तो क्या हुआ कि हम किसी और को ये बात पूछते हैं तो ये सुनने वाला हो गया और उसी तरह राजू नहीं जाएगा वो बीमार है तो वो जो प्रयोग किए हमने वो किसी दूसरे अन्य व्यक्ति के लिए ही प्रयोग करते हैं तो मैं तुम और वो ये हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब ये जो सर्वनाम का हम प्रयोग करते हैं वो किसी भी व्यक्ति के लिए हम प्रयोग करते हैं और ये पुरुषवाचक सर्वनाम को भी मुख्यतः तीन भाग में विभक्त किया गया है और वो क्या है एक है उत्तम पुरुष दूसरा है मध्यम पुरुष तीसरा है अन्य पुरुष समझ गए तो उत्तम पुरुष में क्या होता है कौन कौन आते हैं देखो बोलने वाला जिन सर्वनाम का स्वयं के लिए प्रयोग करता है वह उत्तम पुरुष होते हैं जैसे कि मैं मैंने मेरा मुझको हम हमारा हमको ये सब मतलब उत्तम पुरुष में जो प्रयोग होता है वो किसी मतलब खुद के लिए वो प्रयोग करता है समझ रहे हो जब तुम खुद बात करते हो मतलब ये मेरा है या फिर मैं वहाँ जाऊँगी या फिर ये मुझको दो तो तुम खुद के लिए वो बात कर रहे हो ना तो ये हो जाएगा उत्तम पुरुष के अंतर्गत समझ रहे तो उसके बाद आया मध्यम पुरुष तो मध्यम पुरुष में क्या होता है आ, कौन कौन आते हैं देखो जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले आ, द्वारा सुनने वालों के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे मध्यम पुरुष कहलाते हैं जैसे कि तो तु, तुम तुम्हें तुमने तुम्हारा आप आपका ये सब मतलब जब तुम किसी और के लिए बात करते हो मतलब सामने वाले के लिए तुम बात करते हो कि ये आ, तुम अपना काम करो या फिर तुम आ, अपने काम के लिए ध्यान दो आप अपना काम कीजिए तो ये सब हम किसको बोलते हैं कि हम अपने सामने वाले को बोलते हैं जो हमारे सामने होता है हम उसको क्वेश्चन करते हैं हम उसको पूछते हैं या फिर उसको कहते हैं तो ये जो हो गया ये मध्यम पुरुष हो गया समझ गए कि मध्यम पुरुष में कौन कौन आता है तू, तुम तुम्हें तुमने तुम्हारा आप आपका ये सब और उसके बाद आया अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम वो क्या होता है देखो बोलने वाला जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य के लिए करता है वे अन्य पुरुष होते हैं जैसे कि वो, ये वे या उन्हें या फिर उन्होंने ये सबको हम अन्य पुरुष कहते हैं मतलब हम ये बात किसी तीसरा आदमी के लिए या फिर किसी और आद अन्य आदमी के लिए हम प्रयोग करते हैं जैसे कि वे हमारे प्रधानाध्यापक खड़े हैं मतलब हम अपने प्रिंसिपल या फिर प्रधान अध्यापक को वहाँ हम इंगित करके कह रहे हैं कि वे हमारे प्रधानाध्यापक हैं और चलो उन्हें प्रणाम करें मतलब हम उनके लिए ये प्रयोग करते हैं कि चलो हम अपने प्रधानाध्यापक को प्रणाम करें मतलब यहाँ जो सर्वनाम का प्रयोग हमने किया वो किसी और के लिए किया मतलब अन्य के लिए किया इसीलिए इसको अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है और वो क्या हो गया वे और उन्हें ये हो गया अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम तो समझ गए तो आज के लिए इतना ही बाकी जो रह गया हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ठीक है